हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑन एनवायरमेंटल साइंस। दोस्तों, आज हम एनवायरमेंटल जियो साइंस के टॉपिक का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो यूजीसी नेट जून 2014 में पूछा गया था। दोस्तों, वीडियो में जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। देखते हैं न्यूमेरिकल। यह न्यूमेरिकल यूजीसी नेट जून 2014 में पूछा गया था। न्यूमेरिकल जो पूछा गया था वो इस प्रकार है, फॉर एन एक्विफर ऑफ ग्रेवल हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 4 मीटर स्क्वायर एंड अ डेप्थ ऑफ 2.5 मीटर, हाउ मच वाटर कुड पोटेंशियली बी एक्सट्रैक्टेड। तो दोस्तों, इसमें हमें पोटेंशियल निकालना है एक्विफर का कि उसमें कितना पानी उससे हम ड्रॉ कर सकते हैं। जो हमें दिया है एक्विफर, उसकी पोरोसिटी और स्पेसिफिक यील्ड हमें गिवन है, ठीक है, जो कि ग्रेवल का है। इसमें तीन हमें चार ऑप्शन दिए हैं, 2.00 मीटर क्यूब, 0.25, 0.125, 1.00 मीटर क्यूब। देख लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। तो दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन है उसमें है पोरोसिटी हमें गिवन था 25%, जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया 0.25 डिवाइड बाय 100 करके, और स्पेसिफिक यील्ड है हमारा 20%, उसे भी हमने डिवाइड बाय 100 0.2 हमें कन्वर्ट कर दिया। दोस्तों, जो इस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें स्पेसिफिक यील्ड दी गई थी। अगर हमें क्वेश्चन में स्पेसिफिक यील्ड ना दी जाए तो इस टेबल को आप दोस्तों याद रखिएगा। इसमें इम्पॉर्टेंट हमारा है सैंड एंड ग्रेवल एंड क्ले, इन तीनों का आप लोगों को दोस्तों पोरोसिटी स्पेसिफिक यील्ड याद होनी चाहिए। और इस क्वेश्चन में जो हमें आगे दिया था वो दिया था क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, डेप्थ दिया था हमें 2.5 मीटर। तो हम इसमें देख लेते हैं, वॉल्यूम वाटर पोटेंशियली भी एक्सट्रैक्टेड हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में देख रहे थे कि हम दो चीज इस क्वेश्चन से निकाल सकते हैं। इसमें वॉल्यूम ऑफ मटेरियल पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे, कितना हमारा जो है एक्विफर का मटेरियल कितना है, तो ए इंटू एच, तो इससे हमारा वॉल्यूम निकल जाए। ए हमें 4 गिवन था, एच हमें 2.5 गिवन था, तो हमारा इसका 10 हो गया मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड, एक्चुअली में कितना वाटर वो स्टोर करेगा अपने में। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में दो न्यूमेरिकल बन सकते हैं, एक तो वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड हम निकाल फाइंड आउट कर सकते हैं, और वॉल्यूम ऑफ वाटर पोटेंशियल भी एक्सट्रैक्टेड, दोनों अलग अलग चीज़ें। एक है स्टोरेज कैपेसिटी और एक है एक्सट्रैक्शन, कितना उससे पानी को हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले हम निकाल रहे हैं वाटर स्टोर, जो इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं था, मगर मैंने आपको डिफरेंस बताने के लिए इसमें रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल हमें है 10 मीटर क्यूब, पोरोसिटी हमारा है 0.25, तो ये हमारा आ गया 2.5 मीटर क्यूब हमारा है वॉल्यूम वाटर स्टोर्ड इन दैट एक्विफर। तो इसमें हम सेकंड में निकालेंगे वॉल्यूम वाटर एक्सट्रैक्टेड। वॉल्यूम वाटर एक्सट्रैक्ट में क्या है हमारा, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक यील्ड। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल हमें गिवन है, जो हमने अभी फाइंड आउट किया है, 10 की पावर मीटर क्यूब, और इसका जो हमने स्पेसिफिक यील्ड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा हो गया 2 मीटर क्यूब। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।